हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एके शर्मा। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। टू डायमेंशन के अंदर बेटा हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े हैं, अब थ्री डायमेंशन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। ठीक है बेटा, थ्री डायमेंशन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। तो मान लो कोई वेक्टर ए है हमारे पास और उसके तीन कंपोनेंट हैं थ्री डायमेंशन के अंदर, ए एक्स, ए वाई और ए जेड अलोंग थ्री डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहां पे हम जो वेक्टर है हमारे पास उसको हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके डायगोनल से? पैरेलल और पिवट के डायगोनल से। ठीक है, और जो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसको हम जो पैरेलल और पिवट के जो थ्री एजेस होंगे उससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहां पे ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है बेटा, ये ठीक है, और ये हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल है। दिस इज डायगोनल और ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर को, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इधर हमने मान लिया दिस इज ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल दिस इज अल्फा, ये एंगल बीटा और ये इसके साथ एंगल गामा। ठीक है, ये इसके तीन कंपोनेंट, इधर दिस इज ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसका ये एक्स मान लो, इसको एक्स और ये वाई, इधर वाला ए एक्स, इधर वाला ए वाई और इधर वाला दिस इज ए जेड। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट हो गए इसके। अब इसको नाम देते हैं इस पॉइंट को ओ, इसको पी क्यू एस टी, यू वी और इसको नाम दे दिया एक्स, या इसको एक्स नहीं, यू वी एस नाम दे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट किया है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोपिप्ट, कौन सा? ओ पी, इसको आर मान लो बेटा, पैरेललोपिप्ट कौन सा? ये जो पैरेललोपिप्ट दिख रहा है इससे रिप्रेजेंट किया है। ओ पी क्यू एस टी आर यू वी, ओ पी क्यू एस टी आर यू वी। ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट आर रिप्रेजेंटेड अलोंग थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड
ठीक है। इसके कंपोनेंट एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लोग हमने क्या किए, रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब इसके अंदर हम एक तो ये वेक्टर देखो, ये एक्स ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जेड को, ठीक है। ये ए वाई, तो ये भी क्या होगा, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ये भी क्या होगा, ए वाई होगा, ये ए वाई, तो ये भी क्या, ए वाई, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर इधर, और ये वेक्टर भी क्या होगा, ये वेक्टर ए एक्स, तो ये भी क्या होगा, ए एक्स, ये दोनों साइड क्या है, सेम है, ये भी ए एक्स, ये ए जेड, तो ये भी क्या हो गया, ए जेड। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज ए जेड भाई, ये ए जेड, तो ये भी क्या, ए जेड। तो ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, तो ये क्या देगा, ये इन दोनों का क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। देखो यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ये देखो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर किसके वर्क, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज ओ क्यू वेक्टर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, दिस इज ओपी, हमारे पास क्या है, ओपी, ओपी हमारे पास है एक्स वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, प्लस ए जेड वेक्टर, और ये किसके बराबर, दिस इज ओक्यू वेक्टर के बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर, ओक्यू वेक्टर के बराबर। ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहां पे, अब दोबारा से ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, ये देखो ये वेक्टर, ये कौन सा, ये वेक्टर हमारा ओपी, सॉरी ओक्यू, और ये हमारा ए वाई, इसका और इसका रिजल्टेंट कौन सा, ये, तो यहां पे लगाएंगे यूजिंग पैरेलल ट्रायंगुलर लॉ, वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में यूज करें बेटा, ओ क्यू यू, ओ क्यू यू इसमें लगाएंगे, तो ओ यू किस किस का रिजल्टेंट है, दिस इज ओ क्यू प्लस क्यू यू वेक्टर, इसका और इसका रिजल्टेंट ये, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर होगा, तो ये ए वेक्टर किसके बराबर, दिस इज, ये हमारे पास कितना, एक्स, ये कितना आया था, एक्स प्लस ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ए किसके बराबर है, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो बेटा, यहां से हम ये इसके अंदर यहां से देखेंगे कि एक्स वेक्टर, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप एक्स, आई कैप के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसी तरह से ए वाई, जे कैप ए वाई, और ए जेड वेक्टर किसके बराबर होगा, के कैप ए जेड, आई जे और के क्या यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, इसके अलोंग इसकी डायरेक्शन किससे बताएंगे, जे से, इसकी डायरेक्शन किससे बताएंगे, आई कैप से, और इसकी डायरेक्शन किससे बताएंगे, के कैप से। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, दीज आर द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ
वेक्टर ए, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, दिस इज ए बोर्ड, कितना जाएगा, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। अब यहां से देखो एक्स के साथ ए का एंगल कितना है, ए का एंगल है अल्फा एक्स के साथ, इसका एंगल कितना, सॉरी इसका अल्फा मान लो, इसका बीटा मान लो, ऐसे लिख लो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो एक्स क्या आएगा ए कोस अल्फा, ए वाई क्या आएगा ए वाई ए कोस बीटा, और ए जेड कितना आ जाएगा ए कोस गम भाई, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो गम आएगा, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग ए का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो ए कोस अल्फा आएगा, और वाई एक्सिस के ए कोस बीटा आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम इसके अंदर रखें ए स्क्वायर, हमारे पास कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यहां से देखो इसका स्क्वायर करें तो यहां पे ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ऐसे कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, क्या बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो जितनी भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होती है उन सभी का सम कितना होता है, यूनिटी होती है। सो सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज यूनिटी, कितना आएगा यूनिटी है, ठीक है। तो दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। तो इस तरह से हम थ्री डायमेंशन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर के, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं, अब हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, और डॉट प्रोडक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट, और इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ए डॉट बी जो हम करेंगे मैथमेटिकली, यहां पे हम लिखते हैं मैथमेटिकली, ए वेक्टर है एक, एक बी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट से दिखाया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल है, ए का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आएगा। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये तीसरी क्वांटिटी आएगी, नई क्वांटिटी आएगी, क्या ये आएगी हमारे पास एक स्केलर आएगा, क्या आएगा स्केलर आएगा, इसलिए हमको क्या बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, दोनों के बीच में डॉट लगाया जाता है डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अब देखो ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ओ पी क्यू। ठीक है, तो यहां से इसके बी के दो कंपोनेंट होंगे, बी के दो कंपोनेंट कौन से, एक तो इधर होगा बी का एक कंपोनेंट, एक बी का एक कंपोनेंट कौन सा, ये कंपोनेंट सिस बी कोस थीटा, और एक बी का कंपोनेंट इधर बी साइन थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ए और बी का कितना आएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ए और कंपोनेंट बी का जो ए की डायरेक्शन में, वो तो ए की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है बी का, बी कोस थीटा, कौन सा कंपोनेंट है बी कोस थीटा, सो डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विद
द कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है भाई। यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो किसके बराबर है, एक तो ए वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ, बी का जो कंपोनेंट है किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन, बी का जो कंपोनेंट है किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज ए डॉट बी हो गया। अब यहां से एक चीज हम देखेंगे क्या कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यहां पे देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, फर्स्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सो ए डॉट बी, ए डॉट बी तो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा कितना आएगा, जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है वन, इसीलिए जब हम करते हैं आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड वन होती है, तो आई डॉट आई कितना आएगा वन, जे डॉट जे ये भी वन, एंड के डॉट के कैप ये भी क्या आएगा वन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट वन आएगा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट वन आएगा, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा वन आएगा, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों। तो ये आई कैप इसकी मैग्नीट्यूड वन, इसकी मैग्नीट्यूड वन, और दोनों के बीच में एंगल कितना, कोस जीरो, सेम डायरेक्शन में होंगे, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब दूसरा देखो, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो 90 डिग्री के एंगल पे देखें तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस 90, कोस 90 क्या होता है जीरो, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, दो का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा जीरो जब 90 डिग्री पे हो। इसका मतलब आई डॉट जे, आई एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे किसके अलोंग होता है वाई एक्सिस के अलोंग, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री जीरो आएगा, जे डॉट के ये भी क्या आएगा जीरो, और के डॉट आई ये भी क्या आएगा जीरो। किसी भी यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है, तो जीरो आएगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर, 180 डिग्री पे हो, तो यहां पे ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस कितना आएगा 180, और कोस 180 कितना होता है, दिस इज माइनस वन होता है, तो कितना जाएगा ए बी कोस 180 माइनस वन होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बीच का एंगल जीरो डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री आएगा, और एंटी पैरेलल होंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स उन तीनों केसेस में हमें मिलेंगे। अब देखो डॉट प्रोडक्ट
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए डॉट बी लिख दो वो किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए के बराबर, ए की बात होगी ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरा है डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर, इसको ओबे करेगा ये एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास क्या है, किसी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा। इसका मतलब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए की मैग्नीट्यूड यहां से निकालना चाहें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इसकी पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको या ऐसे सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। ये देख लो ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा को बाहर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ब्रैकेट से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। अब एग्जांपल देखो डॉट प्रोडक्ट के, एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हाँ हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट के हम बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू वर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स के बराबर होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से पावर देखो, पावर पी इज इक्वल टू एफ डॉट बी, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बी इज इक्वल टू सॉरी फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए, यहां पे एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर। तो दो वेक्टर्स का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है, यहाँ भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, यहाँ भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर। अब कैसे हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं वो देखो बेटा, कैसे हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के मैं बताता हूँ। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप, फाइंड ए डॉट बी,
फाइंड ए वेक्टर डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी करेंगे कितना जाएगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे डॉट का साइन, टू आई कैप बी की वैल्यू रखो प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप। अब टू और टू कितना हो गया, इनको करें हम, इसको इन तीनों के साथ करो, टू और टू कितना हो गया फोर, आई डॉट आई कैप आई डॉट आई पर फोर, ये कितना हो गया प्लस टेन आई डॉट जे कैप प्लस फोर्टीन आई डॉट के कैप, ठीक है। प्लस अब इसका करो इसके साथ सिक्स जे डॉट आई कैप जे डॉट आई कैप प्लस फिफ्टीन जे डॉट जे कैप प्लस ट्वेंटी वन जे डॉट के कैप, इसके साथ जी इसके साथ किए प्लस इसका तीनों के साथ करो टू के डॉट आई कैप प्लस फाइव के डॉट जे कैप प्लस सेवन के डॉट के कैप। अब इसका देखो आई डॉट आई कितना होगा फोर इंटू वन, ये वन हो गया, ये कितना हो गया जीरो, ये भी कितना हो गया जीरो, ये कितना हो गया जीरो, जे डॉट जे वन, फिफ्टीन इंटू वन प्लस जीरो जे डॉट के प्लस के डॉट आई जीरो प्लस जीरो प्लस सेवन इंटू वन कितना है ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारे पास आ गया बेटा दिस इज फोर प्लस फिफ्टीन प्लस सेवन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स। तो यहां से ए डॉट बी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ए डॉट बी निकालने का तरीका, मतलब आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ और के 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 साथ और सभी के साथ, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो आएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।